बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां यूपी कैबिनेट की बैठक में होंगे कई अहम फैसले। तो आपको बता दूं कि आज अहम बैठक होनी है, बैठक में कई अहम फैसले होने हैं, बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर, वैट पर ब्याज माफ कर सकती है सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू हो जाएगी, बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, वैट पर ब्याज माफ कर सकती है सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, ब्याज माफ होने से 3 लाख व्यापारियों को मिलेगा फायदा। पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी। बांदा के बबेरू में परिवहन विभाग को जमीन हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव सामने आ सकता है। तो वैट पर ब्याज माफ कर सकती है सरकार, आज अहम बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ करेंगे। ब्याज माफ होने से 3 लाख व्यापारियों को किस तरीके से फायदा होगा वो भी यहाँ पे देखने वाली बात होगी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, कई मामलों में ये जो बैठक है वो अहम माना जा रहा है, किस किस मुद्दों पर सभी की नजर बनी रहेगी इस बैठक को लेकर? देखिए पूजा, लगभग बैठक शुरू होने को ही है, काफी मंत्रीगण आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी बस थोड़ी ही देर में पीछे पहुंचने वाले हैं। हमारे ठीक पीछे लोक भवन है, यहीं पर कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आज बिंदु है वो पूजा ये है कि जो बैट पर अभी तक ब्याज लगता था, जिसकी भरपाई व्यापारियों को करनी पड़ती थी, देर से अगर वो बैट जमा करते थे तो उनको ब्याज भी देना पड़ता था, अब योगी सरकार ने निर्णय लिया हुआ है कि अब ऐसे मामलों पर ब्याज नहीं लगेगा, मूल जो टैक्स होगा सिर्फ उतना ही जमा करना होगा। इससे बड़े पैमाने पर जो यूपी में जो छोटे कारोबारी हैं, जो मध्यम कारोबारी हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसकी एक खासियत और होने वाली है, यदि मंजूरी मिल जाती है कैबिनेट में, कि ऑनलाइन वो अप्लाई करेंगे, यदि उन पर ब्याज आता भी है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसको ऑनलाइन ही माफ हो जाएगा, और यदि बाय चांस उन्होंने जमा भी किया हुआ है ब्याज तो ऑनलाइन उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, यानी कि उसको उसके लिए उनको विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और जो एक नौकर उसमें जो दरोगागिरी होती थी, जो टैक्सेस के जो इंस्पेक्टर होते थे वो चक्कर लगवाते थे या उनको परेशान करते थे, वो सब झमेलों से भी व्यापारी दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल आदित्य, तो थोड़ी ही देर के बाद इस बैठक की जो है वो शुरुआत हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे। तो क्या लगता है किस किस अहम मुद्दे पर, क्योंकि आपने कहा कि कई अहम मुद्दे हैं, पर कोई एक ऐसा अहम मुद्दा जिसपे सभी की नजर बनी हुई है और कितनी देर के बाद इस बैठक की शुरुआत होनी है? बैठक का समय तो पूजा 10 बजे का ही है और मंत्री अंदर पहुंच भी चुके हैं, मुख्यमंत्री भी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये भी है, पिछले दिनों विधानमंडल में एक प्रस्ताव आया हुआ था जिसमें फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में ही की जानी है। अभी तक जो भी जांचें होती हैं क्राइम के किसी मामले में या किसी और मामलों में, अपराध के मामले में अगर एफआईआर होती है तो वॉइस रिकॉर्डिंग को अगर चेक करना है कि ओरिजिनल आवाज़ है या नहीं है, या इसके अलावा तमाम और सैंपल होते हैं उनको चेकिंग के लिए अलग अलग प्रदेशों में, कहीं हैदराबाद तो कभी गुजरात तो कहीं बेंगलोर, इस तरह से सैंपल भेजने पड़ते थे। लेकिन अब यहाँ पर अगर फॉरेंसिक लैब बन जाती है, उसका विश्वविद्यालय बनता है, तो वो सारी जांचें अब लखनऊ में ही हो पाएंगी। और इसके अलावा कई राज्यों से जांचें जब यहाँ आएंगी तो एक आय का जरिया भी बढ़ेगा यहाँ पर, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इसके अलावा बजट में जो 156 के तहत जो प्रोविजन किए जाते हैं उन पर भी आज बिल्कुल आदित्य देखने वाली बात रहेगी कि किन किन अहम मुद्दों पर मुहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के।